Assalamualaikum friends, my name is Sajjad Ali and welcome to my YouTube channel Sajjad Creation. वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गईज़ आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और ब्रोकन हार्ट नेम आर्ट वीडियो। तो गईज़ अगर आप इस तरह का सेट नेम आर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो गईज़ आपने हमारी इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप इस तरह का स्टेटस बहुत ही आसानी से बना सकें। तो गईज़ चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ ये वीडियो हम काइन मास्टर एप्लीकेशन से बनाने वाले हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज़ काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइज़ अभी जो है आपने यहाँ से प्लस वाले साइन पर टैप करना है और गाइज़ यहाँ से आपने ये 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइज़ सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बॉर्डर वाले वीडियो को ऐड करना है जो कि मैंने पहले से बना रखा है। तो गाइज़ इस बॉर्डर वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा गाइज़ यहाँ पर जो भी PNG इमेजेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ उन सबको मैंने एक फोल्डर में कंप्रेस कर लिया है और गाइज उस फोल्डर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहां से उस फोल्डर को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट या फिर अनजिप करेंगे तो वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो गाइज उस फोल्डर का, उस फाइल का जो पासवर्ड है वो मैंने इसी वीडियो में आगे चल के मैंने बता दिया है। तो गाइज आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, अगर गाइज आप वीडियो को स्किप करते हैं तो मे भी आपको पासवर्ड ना मिले, ठीक है। तो आपने जो है ना वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक हो गया। तो गाइज सबसे पहले जो है आपने ये बॉर्डर वाली वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। बॉर्डर वाली वीडियो को ऐड करने के बाद गाइज आपने जो है ना यहाँ से देख लेना है जितने सेकंड का आपने स्टेटस बनाना है उतने सेकंड का आपने इस वीडियो को रखना है और राइट साइड से एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से 15 सेकंड का स्टेटस बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसे 15 सेकंड का ही रखूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपने ये बॉय वाली PNG इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे आपने कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद गाइज इसे आपने यहाँ पर रख देना है। उसके बाद गाइज आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। देन गाइज अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है और अगेन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपने ये गर्ल वाली PNG इमेज को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइज ऐड करने के बाद आपने यहाँ रोटेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइज आपने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बड़ा करने के बाद इसे आपने यहाँ पर राइट साइड में रख देना है। उसके बाद गाइज आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद गाइज अभी जो है अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके अगेन आपने मीडिया पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपने ये वाली PNG इमेज को भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइज ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, छोटा करने के बाद इसे आपने यहाँ पर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद गाइज आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। देन गाइज अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से आपने ये हार्ट वाली इमेज को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। सो गाइज हार्ट वाली PNG इमेज को ऐड करने के बाद इसे आपने छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। छोटा करने के बाद गाइज इसे जो है यहाँ पर ओके के नीचे यानी कि ब्रोकन के नीचे आपने यहाँ पर इसे रख देना है। उसके बाद आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर अपना या फिर आप जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। तो गाइज नाम लिखने के लिए आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो है एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज नाम लिखने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, देन आपने यहाँ से डबल ए पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल आप इस नेम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से कर लीजिए। तो गाइज यहाँ से जो है मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल इस नेम के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, ओके करने के बाद गाइज आपने जो है ना यहाँ से इसे बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। बड़ा करने के बाद इसे आपने यहाँ पर रख देना है।
देन गाइज आपने यहाँ से ऑप्शन में से स्क्रॉल डाउन कर लेना है गाइज, यहाँ से आपने चले जाना है टेक्स्ट ऑप्शंस में, ठीक है। इसमें जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको करेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इसे कम ज्यादा करते हैं तो आपके नेम के जो लेटर है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू में, ठीक हो गया। तो गाइज इसे जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। देन गाइज आपने स्किल लेयर को भी प्रोजेक्ट के आने तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद गाइज अगेन आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइज यहाँ पर जो है आपने एक और PNG इमेज को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो है इसे आपने छोटा कर लेना है, जितना आपका नाम हो आपने उतना ही इसकी साइज को रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइज इसे आपने नीचे लेके आना है और इस नेम के नीचे यहाँ पर आपने इसे रख देना है। देन गाइज आपने इसकी लेयर को भी प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहां तक आपने बैकग्राउंड को रखा है, और उसके बाद यहां से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहां पर एक कलर वाले वीडियो को ऐड करना है, तो गाइज उसके लिए आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से आपने ये कलर वाले वीडियो को भी ऐड कर लेना है। तो गाइज इस कलर वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज कलर वाले वीडियो को ऐड करने के बाद गाइज आपने जो है ना इसे यहां से पकड़ के बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आपने इसे फुल स्क्रीन में सेट नहीं करना है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से बड़ा करना है। देन गाइज आपने यहाँ से चले जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है गाइज। तो गाइज क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइज इसे जो है आपने कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है, ठीक है, अप एंड डाउन वाली साइड से। मतलब ये कि इसका जो शेडो है वो बॉर्डर पर नहीं पड़ना चाहिए, उसके अलावा जहां भी पड़ता है कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो गाइज इस कलर वाले वीडियो को आपने इसी तरह से अच्छे से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, देन आपने कलर वाले वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है, और गाइज इसे आपने यहाँ से डार्कन पर सेट कर देना है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर एक पार्टिकल वाले वीडियो को ऐड करना है, तो गाइज उसके लिए सिंपली आपने स्टार्टिंग में आना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइज यहाँ से आपने ये पार्टिकल वाले वीडियो को भी ऐड कर लेना है। तो गाइज इस पार्टिकल वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज ये वीडियो ऐड करने के बाद इसे आपने बड़ा कर लेना है यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे आपने फुल स्क्रीन में सेट करना है, देन गाइज यहाँ से आपने चले जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ से आपने स्क्रीन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने यहाँ पर लाइट्स को ऐड करना है, तो गाइज लाइट्स को ऐड करने के लिए आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर पर क्लिक करके ओवरले पर क्लिक करना है, और गाइज यहाँ से आपने एक ओवरले को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है स्पॉट लाइट्स 1, जो कि यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइज इसे आपने डाउनलोड कैसे करना है, सिंपल है गाइज। यहाँ से आप नीचे आएंगे, लास्ट में आपको गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और गाइज यहाँ से ये वाली लाइट के ऊपर क्लिक करके आपने इंसर्ट कर लेनी है। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है, ठीक है। देन गाइज आपने जो है ना इसे यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इस लाइट को आपने इस कॉर्नर पर रखना है। देन गाइज आपने इसकी लेयर को प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है जहाँ तक आपने बैकग्राउंड को रखा है। उसके बाद गाइज आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। तो गाइज उसके लिए सिंपली आपने यहाँ से इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपने इस लाइट को यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर लेके आने के बाद इसे आपने यहाँ से पकड़ के इस तरह से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इस लाइट को आपने इस कॉर्नर पर रख देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद गाइज अभी जो है आपने इस वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करना है। सो गाइज म्यूजिक को ऐड करने के लिए आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, देन यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करना है, और गाइज अपनी गैलरी में से जो भी सॉन्ग आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से कर लीजिए। तो गाइज यहाँ से जो है मैं ये वाले सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने सॉन्ग को इस वीडियो में ऐड कर लिया है। उसके बाद गाइज चलिए अब मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
सो गाइस जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो जो है फुली बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद गाइस आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली आपने यहां से शेयर के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस यहां से आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस उस फोल्डर का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है set990, या स्क्रीन पर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस इस पासवर्ड से जो है आप उस फोल्डर को अनजिप कर लीजिएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।